ओके okay. तो so, मुझे जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ये मैकेनिक्स एंड ग्राफिक्स लिखा हुआ है दोनों साथ में मिलाकर ही होता है एक सिंगल पेपर आई गेस तुम लोग का ओके सो स्टूडेंट्स दीपांशु है सेंट मी दिस क्वेश्चन पेपर विच आई विल बी सॉल्विंग लाइव फॉर ऑल ऑफ यू एंड दिस हैपेंस टू बी द क्वेश्चन पेपर फ्रॉम ट्रिपल आई नागपुर प्लीज करेक्ट मी हिमांशु इफ आई एम रॉन्ग करेक्ट यस सर यस सर ओके एंड दिस टीचर का guidance lagega, किस प्रकार से आपको इन सवालों को अटेम्प्ट करना है तो बड़े ध्यान से देखें एंड लेटेस्ट स्टार्ट दि से यह दिख नहीं रहा होगा कुछ क्वेश्चन पेपर इज i mean, the quality of the snapshot is a bit low but don't worry i've written down the question and uh, let's begin with our first problem now these problems are from the topic of projection of lines so let us go through the problem itself okay subko screen the and uh, let me read the problem subko okay three vertical poles A, B, C, D and ef

Okay, so uh, this is the question, or uh, let me just give you a very good 3D representation of it on AutoCAD. Here we go. So this is it. Watch. There are three vertical poles. Just take a look. Here they are. This is the bottom of the pole. Then there is another pole, bottom, 8 meters long. And there is another one. Here it is. E, F. And the height is, or the length of the pole is, 12 meters. Very well. So, this is the arrangement. Now, in the question, it has been asked that uh, their foot, matlab, unka jo bottom? Hai, ye B, D, or F. Ye teenoh ki teenoh jo hai, these three bottoms, they, they sort of make an equilateral triangle. So, when you watch this entire arrangement, फ्रॉम दी टॉप दिस इज हाउ इट वुड लुक सो दिस इज गोइ टू बी योर टॉप व्यू यह आपका रहेगा टॉप व्यू अब इसका फ्रंट व्यू अगर हमको देखना बट अगेन हमको यहाँ पे करना क्या है वॉट इज सपोज टू बी कैल्कुलेटेड वी हैव टू रीड दिसन सेकेंड यू नीड टू डिटर ग्राफिकली टॉप एंड ऑफ दी रोटेट दिस सी एंड ई सो विद्पऑफ ए एंड सी ठीक है इंजीनियरिंग के दूरी यह ज्ञात करनी है देन यू ऑल्सो नीड टू वर्क आउटेंस बिटवीन सी एंड ईड ऑल्सो बिटवीन ए एंड ई हिमांशु पहले हिमांशु बोल रहा हूँ दीपांशु यहाँ तक समझ में आया अरेजमेंट कैसा है ठीक है ओके नाउ इन दी सॉफ्टवेयर आई कैन डू दी मेजरमेंट यूजिंग दिस टूल सीधा यहां पे मैं क्लिक करूंगा यहां से लेके यहां तक एंड ये वर्कआउट हो जाता है ठीक है टेन पॉइंट फोर फोर सो कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन सीई एंड ई ए बट यू गाइज आर नॉट गोइंग टू डू दिस ऑन अ सॉफ्टवेयर ओके और थ्री डी एनवायरमेंट वे तो बिल्कुल नहीं करना है तो उसका टेंशन मत लो आप ठीक uh, इसको अप्रोच कैसे करेंगे आप देखें मैं बताता हूँ

लेट मी टेल यू यहां पर जो भी डायमेंशन दिए देखो आप ये, किस में दिए हुए सर मीटर्स में दिए तो हमने क्या किया एक मीटर बराबर एक सेंटीमीटर मान लिया एक रिड्यूसिंग स्केल ले लिया मैंने क्योंकि दस मीटर लंबी लाइन लाइन आई ड्रॉ अ इज एज मीटर्स राइट और आप पैसा भी कह सकते हो एक मीटर बराबर टेन मिलीमीटर्स ओके अब क्या करेंगे ये 10, 10, 10. कितना ऑल ऑफ देम इन इसके बाद आप फ्रंट व्यू बनाइए तो यहां से यू नीड टू ड्रॉ प्रोजेक्टर लाइंस लाइक दिस राइट एंड देन यहां पर पोल ए भी आ जाएगा यहां पर पोल सीडी आ जाएगा यहां पर पोल ई e एफ आ जाएगा आप देखिए ये तीनों के तीनों फुट हैं पोल्स के और ये तीनों के तीनों टॉप हैं पोल्स के राइट व्हाट यू रियली नीड टू कैलकुलेट इज दिस डिस्टेंस ए डश सी डश एक्चुअल डिस्टेंस निकालना है ना रियल डिस्टेंस ट्रू लेंथ तो इसको करेक्ट करो फिर इसको करेक्ट करो फिर इसको कनेक्ट करो राइट right? एक बार मैं फिर से आपको थ्री में लेके चलता हूं तो आगे कहीं कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं ये हमारा पूरा अरेंजमेंट है वॉट वी रियली नीड टू वर्कआउट वेन यू कनेक्ट ऑफ थ्री वर्टिकल पोल्स डिस्टेंस ए सी सी ई एंड एफ यू वॉन्ट टू टेक अ लुक हाउ दिस लुक फ्रॉम द टॉप दिस इज हाउ इट लुक्स ओके एंड फ्रॉम द फ्रंट दिस इज हाउ इट लुक्स टेक अ लुक ये है इसका फ्रंट व्यू

तो ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूं आप अपने स्केल को यहाँ पे रखेंगे आप मेजरमेंट करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये लंबाई कितने के के बराबर आएगी, इतने के बराबर आएगी आएगी इतने ठीक और आप जब इसको कन्वर्ट करेंगे आप जरा सोच के देखिए यहां पर आ, दस एम mm एम बराबर एक मीटर है तो अगर मैं सौ मिलीमीटर लिखता इट हंड्रेड मिलीमीटर हाउ मच इज दिस गोइंग टू बी सिंपल यूनिटरी मेथड लगाया आपने और कुछ नहीं किया सो इट एज हंड्रेड एंड फोर पॉइंट फोर मिलीमीटर तो ये आंसर आएगा आपका टेन पॉइंट फोर फोर मीटर्स ये आएगा रियल किसका ए और सी के बीच में यह पहला सबको क्लियर है कि नहीं दीपांशु डन यस सर ओके अब दो और बचे द नेक्स्ट वन इज सी एंड द नेक्स्ट इज ई ए नाउ लेट्स गो फॉर सीई तो मैंने एक काम किया मैंने अलग अलग डायग्राम्स बनाए यू कैन मेक द आई मीन यू कैन अप्लाई द रोटेशन पॉलिसी इन वन सिंगल डायग्राम मैं थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज वे में किया है काम मैंने ओके तो ये मैंने कंस्ट्रक्शन को हटा दिया नाउ माय एंटायर फोकस इज टू कैलकुलेटिंग सी सो वॉट आई डू इज आई टेक दिस सी एज दिवट एंड आई कीप दी स्टील एंड कॉम्बस एट सी एंड आई रोटेट अंटिल इट बिकम्स एप्सोल्यूटली स्ट्रेट एंड दिस इज द न्यू पोजिशन of e, c c, e e e. this this this, this 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 is 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 e2 new e2 the new e2 e2 dash. dash. dash dash, If If c old old new new the will be somewhere here. Okay? तो यहां पर यह नया पोजिशन मिल गया आपको बताना था सी ई e, तो सी तो यहीं पर है और उसको ई टू के साथ छोड़ दीजिए और इस लाइन की लंबाई ले लीजिए आपको सी से ई e तक का एक्चुअल डिस्टेंस यहाँ पे मिल जाएगा सी से ई e तक का एक्चुअल डिस्टेंस कितना आ रहा है 107.7 सौ mm. सात मिलीमीटर मैं जानता हूं आप लोग जब इसको स्केल से करोगे व्हेन यू गाइस डू दिस यूजिंग अ सिंपल रूलर और अ स्केल यू वोंट बी गेटिंग सच एग्जैक्ट वैल्यूज मुझे एग्जैक्ट वैल्यूज इसीलिए मिली है क्योंकि मैंने सवाल को सबसे पहले ऑटोकार्ड में बनाया और मैंने वहां से इन डेटाज को लिखा है अगेन आप यहाँ पे स्केल लगाओगे दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू सेवन मीटर राइट सो दिस वॉज पार्ट ऑफ द क्वेश्चन मेरे कल में अब तुमको एक आइडिया मिल गया है कि कैसे करना है वैसे इस पर ट्रू लेंथ कैलकुलेट करने पर अगर आपको और सवाल देखने होंगे तो आई हैव ऑलरेडी मेड अ प्ले लिस्ट बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी इंजीनियरिंग ड्रॉइंग की पूरी प्ले डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहां पर चले जाना एप्लीकेशन ऑफ लाइन के जो प्रॉब्लम्स होंगे उनको जरूर बताना हर सवाल में एवरीवेयर यूल सी यू विल बी गिवेन एज टू हाउ फ्रंट एंड टॉप व्यूज कैन बी प्रिपेड एंड देन ईदर व्यू यू कैन गेट ट्रू लेंथ यहां तक अभी तक

And the pencil end, I will rotate about this point A dash until it becomes absolutely straight or parallel to this XY line. So, this is how it would look. If this is E dash, let me call this as E1 dash. Okay. A dash, this is A. E dash, this is E. And if this is E1 dash, somewhere here, somewhere here, we are going to have E1. What are we talking about, sir? AE. So, simply connect or join A with E. Again, you'll see a green line. You'll see a green line. ये आई डोंट नो तुमको दिख रहा है कि नहीं okay. मैं जरा जूम इन करता हूं लाइन दिस इज ग्रीन लाइन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट राइट अगेन आप यहां पर एंडलू इन मिलीमी टू वेन यू डू दर्जन यू नो वेरी वेल टेन एम इज इक्वल टू वन मीटर सो वन ट्वेंटी दीपांशु आप क्या करना ये सारा चीज जो मैंने तीन डायग्राम्स में इंप्लीमेंट किया है आप एक ही डायग्राम में एक बार में इंप्लीमेंट कर देना ठीक है समझ गए इतना ओके सो दिस वाज प्रॉब्लम नंबर वन फॉर यू नाउ लेट इज मूव टू सेकंड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन इट इज अगेन सेकंड क्वेश्चन इज आल्सो क्वाइट चैलेंजिंग इसमें भी सोचना पड़ेगा थ्री में सोचना पड़ेगा दिमाग के अंदर तभी वो बनेगा ऑल right. Um, एक काम करते हैं

Now this is A, this is B and this is C. Hinged at B, it has been clearly mentioned, right? A divider instrument of a compass box having two equal arms AB and BC, hinged at B is kept in HP. On its needle point A and C, ये दोनों points A और C जो है वो कहाँ पे रखें हैं? ज़मीन पर रखें हैं, on the horizontal plane. Okay? बिल्कुल मैं आप लोग मेरे को देख पा रहे हो, right? Okay. विथ दी लाइन ज्वाइनिंग ए एंड सी परपेंडिकुलर टू बी पी नाउ वट यू गाइज नीड टू अज्यूम इज माई बॉडी वर्टिकल प्लेन राइट सर दिस इज पॉइंट एंड दिस इज पॉइंट सी एंड इज अन विच एव ड्रॉन दिसन दॉन राइट राइट नाउ आप जरा मुझे सोच के बताए ये मैंने एक लाइन खींच ली ए सी को ज्वाइन करने के लिए एंड दिस इज माई बॉडी विच इज एक्टिंग एज दर्टिकल प्लेन ये लाइन जो है वीपी के पैरल है कि परपेंडिकुलर है प्लीज लेट मी नो क्या लगता है लाइन लाइन जॉइनिंग ए एंड सी ये जो मैंने खींची है अगर मेरी बॉडी को आप वीपी मानेंगे टू लेट मी नो इफ इट इज पैरल टू वीपी और परपेंडिकुलर टू वीपी थिंक अबाउट इट दीपांशु क्या लगता है पैरल है बिंदास और अगर मैं ऐसे कर दूं तो ये लाइन जो है वो बिल्कुल ऐसे पीछे की तरफ आ रही है अब मेरे बॉडी के रिस्पेक्ट में वो क्या है परपेंडिकुलर है ठीक yes, है तो यही दिया हुआ है सवाल में लाइन जॉइनिंग ए एंड सी इज परपेंडिकुलर टू वीपी ठीक है इट इज सीन इन फ्रंट व्यू एज अ स्ट्रेट लाइन हंड्रेड एम एम लॉन्ग सामने से देखने पर हमको ये सौ एम एम ये जो डिवाइडर है ना मतलब ऐसे रखा तो हुआ है लेकिन सामने से ये जो लंबाई है कितनी नजर आती है सौ एम एम का नजर आता है ठीक है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बट एट एन एंगल ऑफ थर्टी डिग्री टू दी एच पी

दो पैर ए और सी एर सी को लाइन से जोड़ लीजिए अगर ऐसे रखेंगे तो यह जो लाइन ए सी है इट इज पैरल टू दीपी राइट बट आई फाइ की दिस दिसन ए सी विल बिकम पर सवाल में यह भी दिया हुआ है कि भाई स्ट्रेट लाइन जो है सामने से देखने पर कितने का नजर आ रहा है हंड्रेड बट एट एन एंगल ऑफ थर्टी डिग्री ये जो एंगल है कितना है ये थर्टी डिग्री ऐसा रखो

जमीन से पॉइंट बी जो है जमीन के रिस्पेक्ट में पॉइंट बी जो है दिस टू बी बी योर पॉइंट मैं एक बार बता देता हूं फिर से ये यहां पर ये है पॉइंट बी ठीक ये पॉइंट बी हाउ हाई इज दिस पॉइंट दैट वाज दैट इज नीडेड टू बी वर्कड आउट अपार्ट डिस्टेंस बिटवीन द नीडल पॉइंट्स ए और सी ए और सी के बीच का दूरी कितना है ये बताना है लेंथ ऑफ द आर्म्स ए बी एंड बी सी ठीक है ए बी बी सी के बीच में लेंथ कितना है और दोनों के बीच में रियल एंगल कितना है ये हमें बताना है तीन चीजें हैं एनी तो इसको अप्रोच कैसे करेंगे यू डोंट नीड एनी थ्री डी अरेजमेंट डोट वरी और एक काम करते हैं मैं वापस से आ जाता हूं okay, देखें आप सबसे पहले स्टार्ट बाय क्रिएटिंग एन एक्स वाई लाइन डन been given in the question very clearly that from the front what you see is a straight line straight line of 100 mm this is 100 mm ऐसी बना राइट दशन आर इन मिलीमीटर्स अप्लाई देम स्ट्रेट लाइन हंड्रेड मिलीमीटर्स और ये कितना हो जाएगा ये थर्टी डिग्री इन द्वेश्चन ओके और इसका अगर थोड़ा सा थ्री डी वर्जन में बना के दिखाऊंगा तुमको आप अगर देखो ये ये कुछ इस प्रकार से लेट से दिस इज योर वर्टिकल प्लेन and this right here is your horizontal plane and the divider is something like this let me just draw this something like this okay ek minute इसको आप ले लो पॉइंट ए ये तो बी रहेगा एट दी हिंज और ये ये जो लाइन है ना ये जो लाइन है ये यहाँ पर कितना एंगल बना रही है 90 डिग्री का और आप जब इसको सामने से देखोगे तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा मैं आपको बना करके दिखाता हूँ आपको मिलेगा ये ठीक है दिस इज हाउ इट वुड लुक एंड ये हो जाएगा आपका फ्रंट व्यू अगर ये ए है बच्चों प्लीज ध्यान से देखना तो ये ए डैश हो जाएगा और ये सी डैश यहाँ पे मिल जाएगा और यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा बी डैश मिल जाएगा दिस एंगल द डेटा हैज गिवन इन द क्वेश्चन इज थर्टी डिग्रीज राइट right? ये चीज है जब आप इसको ऊपर से देखोगे अगेन व्हाट यू विल सी इज आपको एक ट्रायंगल नजर आएगा कुछ इस प्रकार से ट्रायंगल नजर आएगा और ये एंगल है ना दिस एंगल हैज बिन गिवन इन द क्वेश्चन एज़ 60 डिग्रीज़ ये ट्रू एंगल नहीं है असल एंगल यहां पर है वो कैसे निकालेंगे मैं बताऊंगा ये 3D अरेंजमेंट समझ आया yes, okay. so, में आया दीपांशु यस सर ओके तो फ्रंट व्यू में ए डश और सी डश

Here, this line automatically is going to intersect this vertical line somewhere here. Let us call that as A, and this is C. Right yeh 60 degree a This is the divider's top view. This is the divider's front view. Okay. Kya hai? Sar, kafi kuch hai. Front or top view ban gaya. To dekho, humne, We have created the front and the top view. Very well. The second thing is we need to work out the height of the point B above the HP. ये पॉइंट बी जो है एच पी के रिस्पेक्ट में कितना ऊपर है दिस इज वॉट वी रीड टू वर्क आउट कैन बी डन वेरी इजिली अच्छा ये मैंने थोड़ा सा यहां पे एक और चीज कर लिया है मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि हमको ये आर्म का असल लेंथ भी निकालना है ए बी और बी सी तो ये कैसे निकालेंगे यहां पे डिवाइडर का एक लेग है ए बी और दूसरा लेग है सी बी राइट वन लेग ऑफ द डिवाइडर इज फ्रॉम ए टू बी वे दी अदर इज फ्रॉम सी टू बी b being the hinge uska true length agar humko calculate karna hai to you need to rotate this done rotate kar liya bilkul straight kar liye this is going to become b1 dash b dash this is b and this is b1 dash somewhere here we are going to have b1 when you join b1 with a as well as c ये आपको मिल जाएगा ट्रूलेंथ तो डिवाइडर का ट्रूलेंथ भी हमको मिल गया एक बार में अब सबसे पहले part पे आते हैं

तो अगर ये आपको कैलकुलेट करना है तो मैंने ए बी वन को और सी बी वन को मतलब ए बी और बी सी इन दोनों के लेंथ को कैलकुलेट किया है यू जस्ट नीट टू कीप यल मेजरमेंट दिस इज वॉट यू गेट हंड्रेड एंड ट्वेल्व मिलीमीटर्स एंड यस or the compass विल बी सेम ठीक है और क्या पूछा है रियल एंगल बिटवीन them. द रियल एंगल बिटवीन them इज अगेन ये एंगल आपको कैलकुलेट कर लेना है सिक्सटी से ये एंगल थोड़ा सा कम निकल करके आएगा दिस इज गोइंग टू बी समवेयर अराउंड दिस इज ग्री डिग्री सो प्लेटी राइट मन में एक ऐसा पिक्चर बनाने में थोड़ा सा समय लगता है बट वंस दैट पिक्चर इज मेड वंस यू हैव द्री डी डायग्राम इन साइड यू हेड यू कैन क्रिएट द करस्पॉन्डिंग फ्रंट एंड टॉप टॉप्यूज और उसको थोड़ा सा मैनिकुलेट करके रोटेशन पॉलिसी लगा करके यू कैन कैलकुलेट यू कैन एक्सैक्टली वर्क आउट दी ट्रू विध और दी पांचू दीस वरदी टू क्वेश्चंस ये समझ में आ गया आई आई गेस तुमको ये yes, सही ठीक है अब तीसरे सवाल पे आते हैं तीसरे सवाल के लिए भाई मैंने पूरा ड्राइंग उसमें बना के रखा है आपको मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि वो कैसे बनेगा आप देखें उसको राइट आते हैं उस पे ऑटो कैड तीसरा सवाल वैसे अगर मैं बनाने जाऊ ना मुझे शायद एक घंटा लग गया इसको बनाने में आपका जो पेपर था मैंने खैर बड़े फुर्सत में बनाया अपना बाकी काम भी करते हुए लेकिन दिस दिस इज चैलेंजिंग इवन फॉर मी एंड प्लीज मेक श्योर कि भाई आपके पास करेक्ट आंसर्स हैं जिससे कि आप इनको टैली कर पाओ अपने टीचर से जो भी आपके इंस्ट्रक्टर होंगे प्लीज मेक श्योर कि भाई उनसे आंसर्स एक बार वेरीफाई कर लेना राइट एंड इफ देर आर देर इज एनी डिस्क्रिपेंसी डू लेट मी नो ओके All right. ये है वो सवाल अब मैं एक काम करता हूं आप सबसे पहले एक काम करते हैं What we'll do is, मैं इन सारे लेयर्स को करता हूं। आपको समझ में नहीं आया डायमेंग्रो ऑफ करो थोड़ा सा फुरसत में समझाते हैं आपको ये मैंने यहाँ पे क्या किया तो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या करना है जो तीसरा सवाल है हमारे पास इसका फोटो भेजे थे क्या हिमांशु तुमने इसका में लिखा क्या था एक मिनट बाकी लोगों को भी मैं दिखा देता हूँ तो प्रॉब्लम में क्या था यहाँ पे आ, हमारे को एक इमेज दिया गया है ठीक है आइसोमेट्रिक व्यू दिया गया है ऑब्जेक्ट एंड व्हाट वी नीड टू वर्क आउट इज द फ्रंट व्यू साइड व्यू एंड द टॉप व्यू ठीक ओके ये तीन चीज़ें हमको वर्कआउट करनी है और एक और चीज़ किसी का कुछ आ, कुछ क्वेश्चन आए हैं सबसे पहले मैं ले लेता हूँ सबसे पहला सवाल है उज़ैर एंडी भट्ट ठीक है एंडी भट्ट और आप चाहो तो पीएस गेल में भी जा सकते हो ओके यू कैन गो विध पी एस गिल ऑल्सो और अगर सवाल और सवाल बनाने तो आर के धवन की भी पुस्तक आती है मशीन ड्रॉइंग की उसपे भी जा सकते हो बट अगेन बेसिक अगर आपको अच्छे से सीखना है इंजीनियरिंग मैकेनिक है सर, आर जी पी पी के पढ़ाते हैं आप आ, हरी मोहन आप एक काम करें डू वन थिंग आपको मेरे ऐप आप का लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डाउनलोड करो जो भी पूरा कॉन्टेंट है मेरा जो कॉन्टेंट है वो पुणे यूनिवर्सिटी जे एन टी यू हैदराबाद और मतलब मैंने काफी सारे यूनिवर्सिटीज का सिलेबस मिला करके एक सिंगल कंटेंट एक सिलेबस डिजाइन किया है उसमें बहुत सारे लेक्चर्स आपको फ्री में भी मिल जाएंगे अनलॉक्ड हैं आप जाके उनको देखें जो सिलेबस मैंने उसमें क्लेम किया है उसको भी देखें कि वो आपके सिलेबस के साथ मैच कर रहा है कि नहीं तो आप बिल्कुल बिंदास अगर मैच कर रहा है तो आप बिल्कुल उसको कोर्स को ले सकते हो वैसे आर जी पी वी वी पी का भोपाल का मैंने सिलेबस देख रखा है टेंशन की बात नहीं इनफैक्ट पूरी दुनिया में कोई भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहा है मेरा कॉन्टेंट उसके लिए

राइट बिल्कुल टेंशन मत लो तो कभी भी हमको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना रहता है तो हम क्या करते हैं सबसे पहले ऐसा एक प्लस का चिन्ह बना लेते हैं वर्टिकल प्लेन ऊपर हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे और ये प्रोफाइल प्लेन को मैंने इस तरफ इसलिए बनाया क्योंकि मुझे राइट से देखना है सवाल में अभी आपने देखा होगा हमें कहा गया था कि भैया राइट हैंड साइड व्यू राइट हैंड साइड व्यू बनाना है ना अच्छा वैसे आपको यहाँ पर जो एग्जाम में पूछा गया है मैं देख पा रहा हूँ फ्रंट व्यू फ्रॉम एक्स और टॉप व्यू दो ही व्यू पूछा है साइड व्यू पूछा भी नहीं है फिर भी मैंने बना दिया चलो टेंशन मत लो आप देखें यहां पर क्या होगा थोड़ा सा मैंने इमेज को क्लीन करने की का प्रयास किया है आई डोंट नो थोड़ा कंट्रास्ट शार्पनेस को थोड़ा सा फाइन ट्यून किया है तो जाके ये देखने लायक बन रहा है दीपांशु एक काम करते हैं सबसे पहले व्हाट इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर आप देखो यहां फ्रॉम द टू एंटर ऑफ दिस सिलिंड्रिकल आई मीन I mean, क्या बोलेंगे इसको सिलेंड्रिकल ट्यूब बोलते यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 100 का है है ये 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 का और अगर आप इस आउटर सर्कल को देखोगे तो no, यह देखो यहां पे 550 लिखा हुआ है। कहीं पर भी आपको दिखता है तो आप समझ जाना ये जो डायमेंशन है ये डायमीटर के लिए तो अगर डायमीटर पचास है तो रेडियस कितने का हो जाएगा इट इज लेट मी रीट This 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 is 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 25 25. and 100. 100 So the 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 overall height of the object, the maximum height of of object, object maximum happens to be this is 100 plus 25. 125. Is this clear? Yes, sir. Okay. इसलिए सबसे पहले तीन रेक्टैंग के साथ शुरुआत की है मैं आपको करके दिखाता हूँ इफ यू जस्ट ट्राई टू डू the दी मेजरमेंट ये दिखाई दे रहा है कि नहीं 125 तुमको एकदम छोटा सा दिख रहा है छोटा सा yes, दिख रहा है है ना ओके ये ये 125 का आएगा ये दिस इज 125 सेकेंडली अगर आप देखोगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि लेंथ कितना है तो हाइट तो हमने पता लगा लिया लेकिन वी आल्सो नीड टू तो वर्क आउट व्हाट इज द एग्जैक्ट लेंथ तो लेंथ के लिए हम क्या करेंगे आप देखें चलो तो यहां से काउंट करते हैं 25 फिर 55 55 पूरा यहां से लेके यहां तक देखिए इस को यहां तक सर्कल के सेंटर तक पचपन और पचपन हो गया एक सौ दस वन वन जीरो प्लस फिफ्टीन कितना आ जाएगा ये सोच के बताओ एक सौ चालीस हो गया ठीक है तो ये मैं आपको दिखाता हूं अरे वन फिफ्टी आ रहा है कुछ गलत बोल दिया क्या मैंने एक मिनट लेट मी चेक फिफ्टी फाइव फिफ्टी फाइव एक सौ दस एक सौ दस में पच्चीस जोड़ो कितना हो गया अच्छा एक सौ पैंतीस वन थर्टी फाइव ये वन थर्टी फाइव हुआ हिमांशु दीपांशु यहाँ से लेके यहाँ तक वन थर्टी फाइव वन थर्टी फाइव वेन यू एट फिफ्टीन टू एट विल बी ऑटोमेटिकली वन फिफ्टी इसीलिए ये ठीक है 150 हो गया।

ठीक और अरी मोहन के कमेंट को भी हटा देते हैं अभी के लिए ओके नाउ वॉच ये ये सवाल में बहुत सारी मिस्टेक्स होने की गुंजाइश है और मेरे से भी हुई है है ना तो धीरे धीरे फिर मैंने करेक्ट किया एनी तो वॉच दिस नाउ व्हाट अबाउट दी विथ आप देखो यहाँ से और जूम कर सकते हैं हाँ कितना है ये थर्टी ठीक है right. ये जो फ्लैट प्लेन आपको दिखाई देना ना ये वाला जो एंड और इस तरफ जाएंगे एंड वी आर गोइंग टू मेक द कैलकुलेशंस सो दिस इज 30 प्लस 25 ये आर 25 लिखा है मतलब दिस इज द रेडियस 30 प्लस 25 इज गोइंग टू गिव यू कितना आ जाएगा 55 अब आप इधर सोचो यहां से लेके यहां तक दिस इज 55 10 इज 65 और यहां से लेके यहां तक दिस इज द रेडियस दैट इज 25 तो 65 एंड 25 कितना हो जाएगा और रिजल्ट एज नाइन नाउ चेक टॉप व्यू में ये 90 का आपको से लेके यहां टॉप यू यहां से, यह से खींचना, ये बना लोगे ये बॉक्स अपने आप बन जाएगा समझ गए yes, है ना, कि बताऊं कैसे बनेगा ये बॉक्स बिंदास बोलो कोई दिक्कत नहीं है Got sufficient time. बता देता हूँ चलो देखो uh, मान लो, ये बॉक्स नहीं बना है। ऐसा मान लो कोई दिक्कत नहीं तो हम क्या करेंगे पे? Uh, हम से प्रोजेक्टर हैं। देखो, करके कुछ प्रोजेक्टर लाइन खींचते हुए इस पॉइंट एंड लेटमी ब्रिंग इट ओवे फिर यहाँ पर भी ठीक ये, ये, है जी और इसको मैं थोड़ा सा ट्रिम कर लेता हूँ एक ये हो गया आपको क्या करना है इन लाइंस को ना यहाँ पे 45 डिग्री के एंगल पे रोटेट करना है ये यह पे लेट मी जस्ट शो दिस टू यू आपको ऐसा करना है मान लो मैं रैंडमली 100 मिलीमीटर mm की लाइन खींचता हूँ एट एन एंगल ऑफ ठीक है ये वर्टिकल से 45 फाइव डिग्री हॉरिजॉन्टल से 135 हो जाएगा राइट ये आम, और एक काम करते हैं इसको भी कॉपी करते हैं यू नी टू डू द सेम थिंग ओवर ही अब एग्जैक्टली exactly आपको पेंसिल से कहां तक क्या करना है मैं समझा देता हूं व्हेन यू यूज द पेंसिल दैट्स इट इसको यू नीड टू एक्सटेंड दिस एक्सटेंड दिस अंटिल यू रीच हियर सो दिस इज हाउ इट्स डन एंड नाउ इससे आपको ऊपर चले जाना है यहां से आपको ऐसा ऊपर चले जाना है इस भाई इस में वे जो ऑटो कैड सीखना चाहते हैं एप्लीकेशन में मेरा ऑटो कैड का भी कोर्स है उसमें एनरोल कर सकते हो बिंदास ऑटोकैट बड़ा जरूरी हो गया आजकल मैकेनिकल और सिविल इंजीनियर्स के लिए वो एक बहुत ही बेसिक सी स्किल है जो आपसे एक्सपेक्ट की जाती है इंडस्ट्री सेक्टर में ठीक और ये जब बन जाएगा ना तो इसके द्वारा हम क्या बना लेते हैं यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं एंड द बॉक्स दैट आई हैव मेड इज दिस मैं दिखा देता हूँ दिस इज द बॉक्स दैट आई हैव मेड वो इंटरसेक्शन पॉइंट से आ जाता है ओके वेरी वेल अब क्या करें सर अब आपको क्या करना है आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट को पकड़ना है और वहां से अपने खेल को स्टार्ट करना है आप देखिए सबसे पहले तो आप क्या करो ये दोनों सर्कल्स को बना लो आप इस वाले सर्कल पे दो। वैसे यहाँ पे एक और प्रॉब्लम था एक बार अपने इंस्ट्रक्टर से टीचर से ना एक बार कन्फर्म करना ये जो छोटे वाले होल्स है इनका डायमीटर या रेडियस कुछ दिया हुआ नहीं है तो मैंने उनको फिफ्टीन एम mm डायमीटर लेके बना दिया है, ओके okay. तो मैंने इनका डायमीटर पंद्रह मान लिया ना ये सेंटर कितना हाइट हाइट है 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 सर सर ये के है पर है. यहां से कितना डिस्टेंस डिस्टेंस दिस इज एंड ठीक है? तो आप सबसे पहले इस सर्कल को बना लेना उसके बाद इसके सेंटर से पचपन एम एम लेफ्ट चले जाना एक और सर्कल बना लेना फिर से फिफ्टीन एम mm एम डायमीटर का मैं आपको पूरा डायग्राम और फिर लाइने खींचते जानी है आपको लाइन खींचते जानी है सबसे पहले सर्कुलर प्रोफाइल्स अगर आप बना लोगे तो बेहतर रहेगा भाई तुषार कुछ पूछ रहा है सर सुनो ना कह रहा है तो सुनाओ क्या क्या कहना है लिख दो नीचे कमेंट में बिंदास कोई दिक्कत नहीं और अगर पर्सनली कुछ कमेंट करना चाहते हो तो स्ट्रीम यार्ड में जुड़ सकते हो नीचे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में बिंदास कोई दिक्कत नहीं और है ना वहाँ पे पर्सनली कमेंट कर सकते हो अगर यहाँ पे पूछने में कुछ टेंशन हो रही है तो एनी तो मैं आपको पूरा हिसाब किताब दिखाता हूँ सबसे पहले आप इस प्रकार की आउटलाइंस बना लेना ये शो करता हूँ

पिक खींच के हाई क्वालिटी में आपको मैं भेज दूंगा कोई दिक्कत नहीं ठीक है तुमको मैं भेज दूंगा ठीक है 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 ऐप में भेज दूंगा तुम वहां से उसको एक्सेस कर लेना ओके एक मिनट क्या पूछ रहा है? पूछ रहा रहा सर मुझे दो सवाल हैं मैं डाउट है प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस में थोड़े एडवांस लेवल के हैं। हाँ तो ठीक है सवाल ले आओ सवाल अभी है तुम्हारे पास तो स्टूडियो में ज्वाइन कर लेना ठीक है दीपांशु के बाद तुमको तुम्हारा जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस कर लेंगे ठीक ओके ये दीपांशु देखो ये थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ फ्रंट व्यू जो है ये लाइंस दिख रही हैं वो यहाँ पे लाइंस है फिर ये थोड़ा सा लेफ्ट आएगा ये डायमेंशन को देखते जाना है और उस हिसाब से हमको बनाते जाना है ठीक है और कुछ नहीं है इसमें ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं ये बन जाता है राइट फ्रंट व्यू टॉप व्यू ही आपको सवाल में पूछा गया था साइड व्यू नहीं पूछा गया था तो जो नहीं पूछेगा उसको मत बनाना मैंने पता नहीं क्यों बना दिया चलो बना दिया तो बना दिया उससे कोई नुकसान नहीं है Secondly, आप को जहां पर भी ये दिखती हैं, तो वहां पर आपको बनानी है। वो देखो लेयर ऑन कर दिया मैंने ठीक है ये सेंटर लाइन है तो डैश डॉट डैश डॉट जो डैशे रहेंगे आपके लंबे डैश रहेंगे कुछ इस प्रकार से है ना ऐसा और ये यहाँ पर ये जो प्रो

तो उसका एक लेफ्ट मोस्ट एज और राइट मोस्ट एज आपको दिखाना पड़ेगा तो मैं आपको दिखाता हूं वो होल का लेफ्ट से राइट right कहां पे आएगा? ये यहां पर ठीक है है ये ये टॉप टॉप व्यू व्यू तो के बिल्कुल स्ट्रेट में आपको होल दिखाई देगा ये मैं दिखाता हूं आपको हिडन एजेस ये देखिए ये बिल्कुल स्ट्रेट में और जूम करें और इस तरफ आ जाते हैं हाँ. ये ये बिल्कुल स्ट्रेट में यहां ये होल ड्रिल किया गया है ठीक और सिर्फ इनकी बात नहीं कर रहा हूं यहां पर भी होल्ड्रिल्स है टॉप्यू में भी बनाते हैं ये। और जैसे यहां पर ये अंदर है ये होल ड्रिल किया हो गया ठीक है तो अंदर वाले प्रोफाइल के लिए इस प्रकार से बनाएंगे ये बिल्कुल स्ट्रेट एकदम मैच करना चाहिए इससे राइट इतना हो जाने के बाद आप क्या करना आप

आई होप कि आपके yeah. डाउट्स आज क्लियर हुए होंगे okay? yes. right? uh, okay? आपको जोड़ दिया मैंने स्टूडियो में एक बार माइक को अनम्यूट करके एंड मेक श्योर कि आपने हेडफोन पहने हो अगर आप नहीं पहनोगे हेडफोन तो वॉइस जो है इको होते रहेगा हेडफोन पहन लो और आपको जो पूछना है बिंदास पूछो बोलो आप, आप, ना डाउट क्या है तो की उनको। अरे बाप कहाँ तो पे बैठे हो बहुत आवाज आ रहा है पंखा चल रहेगा जोरदार तुम्हारा तो हाँ तो थोड़ा सा शांति वाले जगह में आओ फिर बात करते हैं ऑफ पॉइंट की ट्रू लेंथ दे रखी है अपन को पॉइंट की ट्रू लेंथ नहीं होती बेटा लाइन अब... की ट्रू लेंथ ओके हां जी बताइए और और थीटा और फाई दे रखा है लाइन का ट्रू लेंथ थीटा और फाई दे रखा है बहुत बढ़िया और पॉइंट पी जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है ठीक है पॉइंट पी सेकंड क्वाड्रेंट में है और q फोर्थ क्वाड्रेंट में q फोर्थ क्वाड्रेंट में है और एक और पॉइंट दे रखा है R जो कि P से 50 mm दूर है p से 50 mm दूर है ठीक है और r दोनों प्लेन में है यानी r ओरिजिन हो गया r दोनों प्लेन्स में है मतलब r ओरिजिन हो गया ठीक है तुम इसका ऐसे ना मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा इसका डिस्क्रिप्शन कम से कम कमेंट में इसका डिस्क्रिप्शन लिख के भेज दो मुझे और वैसे इस प्रकार का एक सवाल है ऑलरेडी तुमने मेरी प्लेलिस्ट देखी है कि नहीं प्रोजेक्शन ऑफ लाइन की लेवल 1 और ही देखा था अरे लेवल थ्री और फोर में जाना पड़ेगा एक मिनट रुको मैं आपको बता देता हूँ इसको फर्स्ट और थर्ड के लिए बनाया है ठीक है ये बहुत पॉपुलर सवाल है आ, रुको मैं यूट्यूब यहीं पे ओपन कर लेता हूँ साइड में फिर आपको दिखा देता हूं अगर प्रॉब्लम देख के समझ तो जाओगे ना समझ जाओ जाओगे मिड पॉइंट प्रॉब्लम ये बड़ा फेमस है इन प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस मिनट बहुत लोगों ने इस पर वीडियो बनाया मिड पॉइंट प्रॉब्लम पर मेरी प्लेलिस्ट कहा है एक मिनट और कहां पे पढ़ते हो मुंबई में मुंबई में मुंबई मुंबई में किधर सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ओके यार मैंने एक नई प्लेलिस्ट मेरी कहाँ है एक मिनट नहीं है, है। कुछ और है। वो एक ऐसा पॉइंट है, वो दोनों के बीच में कहीं ना कहीं है तुम्हारे लाइन का रिस्पेक्ट है? 120. 120 है हाँ. तो में वो कितने दूरी पर है ठीक है ढूंढ है? इस... तो नहीं है। मैं... यार उस सवाल को मैं पा रहा हूँ मेरे ऐप के अंदर है रुको मैं नहीं तो ऐप से चला देता हूँ ना यूट्यूब में फालतू एड्स भी आ जाते हैं <coughs> कहा गया ड्राइंग का कोर्स तुमको वैसे लेवल और फोर देखना पड़ेगा ना और एक और हाँ। काम करेंगे तुमको ना अपना एक इंजीनियरिंग मतलब प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का एक नया प्लेलिस्ट मैंने बनाया था तो उसको जरूर देखना तुम तो। पुरानी प्लेलिस्ट जो है वो चार पांच साल हो गए उसको अब उन वीडियोज को अब मत देखना लाइन की नई प्लेलिस्ट है मेरे ख्याल में वो ज्यादा इफेक्टिव लगेगी तुम्हें आ... और एग्जाम एग्जाम कब है सब मिड सेम तो हो गया ये तो असाइनमेंट दे रखा था कंप्लीट करने के लिए तो पांच पांच के ग्रुप में बांटा था हर ग्रुप को पांच पांच सवाल हाँ। करने थे तो मतलब हर ग्रुप को... एक ग्रुप हर ग्रुप के हर बंदे को पांच सवाल हाँ अच्छा तो मुझे ये आखिरी के पांच वाले मिले हैं तो, तो, तो खत, खतरनाक मिले तुम्हें बहुत खतरनाक है यार यार ये सही है यार चलो मैं दिखाता हूँ इसमें प्रोजेक्शन ऑफ लाइन मिड पॉइंट तुम नहीं तो एक काम करना तुमको ना मैं लिंक एग्जैक्ट भेजूंगा वही लिंक का वीडियो देखना तुम समझ जाओगे अगर तुमसे फिर भी नहीं बनेगा तो मैं एक सोल्यूशन बना करके देखता हूँ नहीं तो वीडियो ही बना दूंगा नहीं तो तुमको कम से कम सोल्यूशन बना करके भेज दूंगा ठीक है एक फॉर्मेट में जिससे तुम समझ एक घंटा हो गया बना नहीं पाए नहीं बना ऐसा होता है ऐसा होता इसा। है हम सब स्ट्रगल करते हैं मैंने भी स्ट्रगल किया ड्राइंग के साथ अपने इंजीनियरिंग डेज में It's nothing new. यार ये प्रॉब्लम मुझे मिल नहीं रहा है चलो अब एक काम करते हैं ऐप डाउनलोड किया है क्या तुमने नहीं तो उसको डाउनलोड करके एक बार मुझे हाई कर देना ठीक है मैं देखता हूँ हो सका तो मैं तुमको अगले आधे घंटे में ही वाला प्रॉब्लम का लिंक भेज दूंगा उसको देख लेना तुमको आइडिया मिल जाएगा फिर भी अगर नहीं बनेगा तो मैं तुमको सोल्यूशन बना करके भेज दूंगा बिल्कुल टेंशन मत लो ठीक है इसके अलावा भी कोई सवाल है राइट तुषार तो हाँ। वो भी मुझे भेजो अच्छा लगेगा तो मैं वीडियो बना के डाल दूंगा यूट्यूब पे कोई दिक्कत नहीं सर आपने वैसे टाइप के कराया है कि एक हाँ। मतलब कॉम्पोजिट फिगर है अच्छा और प्रोजेक्शन की बात कर हैं नहीं नहीं इनवॉल्यूड हाँ हाँ कि जैसे मानो एक ट्राइंगल है और फिर वहां पे एक हेक्सागन भी बन रखा है या फिर आधा हेक्सागन है और आधा सर्कल है उसका एक पोल बना रखा है आधा हेक्सागन है आधा सर्कल है हाँ अच्छा उसमें उस दिक्कत है ऐसे सवाल में तो मैं हाँ। मैं समझ गया मैं समझ गया वैसे कुछ सवाल जो है वो स्क्वायर के हेक्सागन के पेंटागन के मैंने बनाए तुम जो बता रहे हो वो कॉम्पोजिट शेप है थोड़ा yes. थोड़ा मिक्सड है हाइब्रिड है वो समझ गया मैं तो सवाल भेज दो ना ये सेशन हम इसीलिए तो कर रहे हैं आपको जो भी सवाल में दिक्कत हो उन सवालों को भेजो और मेरे साथ थोड़ा सा टच मेरा ना और थोड़ा सा मेरे को पोक करना कि सर इसका सोलूशन भेजिए तो मैं आपको भेज दूंगा ठीक है आज नहीं तो कल तो भेज ही दूंगा चिंता मत करो ठीक है तुषार ओके okay, सर ठीक है चलो ऑल दी बेस्ट एंड मेरे ख्याल में आप सेशन को एंड करते हैं संडे है लेट्स हैव लंच

एग्जामिनेशन टाइम आने वाला है आपके बड़े कुछ सवाल होंगे तो बिल्कुल मुझे बताना और आगे भी हम लोग लाइव सेशंस कर सकते हैं डू लेट मी नो ओके थैंक यू वेरी मच गुड डे